नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस्लामी मुल्क सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब सरकार ने सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन तबलीगी जमात पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ने साथ ही एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें कहा है कि तबलीगी जमात कुछ और नहीं है बल्कि आतंकवाद का गेटवे है। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से ये इस्लामिक संगठन लगातार इसके कारनामे सामने आए हैं, आतंकवाद से भी इसके लिंक पाए गए हैं, और ऐसे में सऊदी अरब जो कि एक मुस्लिम कंट्री है उसका तबलीगी जमात पर इस तरीके से प्रतिबंध लगाना जाहिर तौर पर अब ये सवाल खड़ा करता है कि क्या सऊदी अरब के बाद भारत भी अब इस इस्लामिक संगठन पर प्रतिबंध लगाएगा। क्योंकि तबलीगी जमात उस वक्त सुर्खियों में आया था जब भारत में कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारे थे। किस तरीके से निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के ये सदस्य एक मदरसे में थे और किस तरीके से कोरोना को फैलाने में इन्होंने भारत में एक अहम भूमिका निभाई थी, कुछ सदस्यों पर कार्रवाई भी की गई थी उस वक्त। तो ऐसे में ये उस वक्त सुर्खियों में आया था, लेकिन अब बड़ी खबर तबलीगी जमात पर यही है कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब में इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ अल सेख ने ट्वीट किया है और इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। मंत्री ने मस्जिदों के इमामों को ये निर्देश दिया है कि वो शुक्रवार को नमाज के लिए आने वाले लोगों को तबलीगी जमात की असलियत के बारे में बताएं कि आखिर तबलीगी जमात किस तरीके से कार्य कर रहा है और तबलीगी जमात में आखिर उन्हें शामिल क्यों नहीं होना है। इसकी जानकारी जो है वो वहाँ मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों को दी जाए जो जुमे की नमाज के लिए आते हैं। ये जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी है। सऊदी सरकार की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि मंत्री डॉक्टर अब्दुल लातिफ अल सेख ने तबलीगी जमात और दवा ग्रुप पर बैन लगा दिया है। भी मस्जिदों के इमामों को ये कहा गया है कि वो नमाज के लिए आने वाले लोगों को सरकार के इस फैसले के बारे में जानकारी थे, साथ ही इन दोनों संगठनों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए लोगों को, ये भी आदेश जो है वो दिए गए हैं। इन दोनों संगठनों को संयुक्त रूप से अल अहबाब कहा जाता है। तो ये तमाम ट्वीट हैं जो सामने आए हैं, लेकिन अपने आप में सऊदी अरब ने ये बड़ा फैसला कर लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अब भारत में भी ये मांग उठ रही है कि तबलीगी जमात को बैन किया जाए, पूरी तरीके से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये संगठन काम करता है कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलें ये अल्पसंख्यकों के लिए देश में बढ़ा रहा है। इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से ये संगठन काम कर रहा है और जिस तरीके से इस संगठन के सदस्य तमाम मुस्लिम मोहल्लों में जाकर वहां के लोगों को दीन की राह पर चलने के लिए कहते हैं, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो संगठन के लोग मुस्लिम पुरुषों को पठानी सलवार पहनने और मूंछ साफ करने, दाढ़ी बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरीके के जो दिशा निर्देश हैं वो इस संगठन की ओर से दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, दिन में 5 वक्त की नमाज वो पढ़ें, महिलाओं को बुर्का या पर्दा करवाने या उनका उन पर तमाम तरीके के प्रतिबंध जो है वो इस जमात की ओर से लगाए जाते हैं। 3 तलाक हलाला के समर्थक यह संगठन रहा है और जब मोदी सरकार ने 3 तलाक पर फैसला सुनाया था उस वक्त भी तबलीगी जमात से जुड़े कई लोग थे जिन्होंने इसका कड़ा विरोध किया था। तो किस तरीके की कट्टरपंथी सोच है, किस तरीके की कट्टरपंथी विचारधारा है, ये लगातार सामने आया है। और यही वजह है कि अब सऊदी अरब के बाद हिंदुस्तान में भी तबलीगी जमात पर बैन लगना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद से भी कई बार तबलीगी जमात के जो सदस्य हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनके लिंक सामने आए हैं। तो ऐसे में अब लगातार हिंदुस्तान में भी ये मांग उठ रही है। आपको बता दें, तबलीगी जमात की जो स्थापना है वो भारत में ही साल 1926 में हुई थी, जबकि सऊदी अरब में ये उससे सैकड़ों साल पहले से काम कर रहा है संगठन। ये कट्टर सुन्नी इस्लामिक संगठन है और ये एक धर्म प्रचारक संगठन है, लेकिन ये मुसलमानों के अलावा कहीं प्रचार करने के लिए नहीं जाता है। एक अनुमान के मुताबिक तबलीगी जो जमात है उसके 35 से 40 करोड़ सदस्य हैं। ये बड़ा जो जानकारी है इस संगठन के बारे में ये है, इसका दावा है कि इनका फोकस एरिया धर्म है और ये राजनीतिक गतिविधियों से बचते हैं, लेकिन जिस तरीके के काम इनके द्वारा पिछले कुछ सालों में किए गए हैं, जिस तरीके से ये संगठन अपनी कट्टरपंथी सोच इसके द्वारा दिखाई गई है,
आपको बता दें, तीन तलाक हलाला के ये बड़े समर्थक हैं और जमात के लोग तीन तलाक हलाला और बहुविवाह को भी कड़ाई से पालन करते हैं और ये कहते हैं कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है। पिछले साल जब मोदी सरकार ने तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया था तो तबलीगी जमात से जुड़े लोगों ने देश भर में इसका कड़ा विरोध किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बड़ा फैसला मोदी सरकार ने लिया, लेकिन उस पर भी कई लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई थी। तो इसी संगठन से जुड़े वो लोग थे जो तीन तलाक के समर्थक रहे हैं, लेकिन जब फैसला सरकार की ओर से लिया गया तो इसका विरोध उनकी तरफ से जताया गया। आपको बता दें, तबलीगी जमात को सऊदी अरब और खाड़ी देशों के करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलती रही है। इस संगठन ने अधिकतर देशों में अपने बड़े सेंटर भी बना रखे हैं जहां पर उनके जलसे चलते रहते हैं। उन जलसों में खाड़ी देशों के कट्टर मौलानाओं के साथ ही दूसरे देशों के मुल्ला और मौलवियों को भी बुलाया जाता है। यानी किस तरीके से ये संगठन एक बड़े पैमाने पर काम करता है, आप सोच सकते हैं कि जिस संगठन के 30 से 40 करोड़ सदस्य हों तो वो संगठन कितने बड़े पैमाने पर दुनिया भर में काम कर रहा होगा। लेकिन अब एक एक कर तमाम देश इस तबलीगी जमात को आईना दिखा रहे हैं कि आखिर ये धर्म की आड़ में किस तरीके से आतंक की राह चुन रहा है, किस तरीके से तमाम मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम पुरुषों पर अपने जो तमाम फैसले हैं वो थोपे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये संगठन काम कर रहा है और यही वजह है कि सऊदी अरब की ओर से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें खास तौर पर ये कहा गया है कि जो भी वहां जुमे की नमाज पढ़ने के लिए शख्स आ रहा है उसे ये समझाया जाए कि आखिर तबलीगी जमात की असलियत क्या है, तबलीगी जमात किस तरीके से देश भर में कार्य कर रहा है, यानी किस तरीके से एक धर्म प्रचारक संगठन अब मुसलमानों के अलावा कहीं और प्रचार के लिए नहीं जाता है, यानी मुसलमानों के लिए प्रचार कर रहा है लेकिन वहां भी किस तरीके की कट्टरपंथी सोच जो है वो फैला रहा है। ये तमाम चीजें हैं जिसका आकलन अब दुनिया भर के तमाम देशों में किया जा रहा है और यही वजह है कि अलग अलग देशों में अब तबलीगी जमात पर तमाम कड़े प्रतिबंध जो है वो लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में पिछले साल कोविड नियमों का उल्लंघन करने के लिए तबलीगी जमात सुर्खियों में आया। कोविड महामारी के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में इस संगठन की ओर से एक जनसभा बुलाई गई थी, एक सामूहिक सभा इस संगठन ने की थी और उस वक्त जब तबलीगी जमात के कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। तबलीगी जमात पर तमाम बड़े आरोप भी लगे थे कि किस तरीके से कोविड नियमों का उल्लंघन किया गया है। तमाम सुर्खियां तबलीगी जमात ने बटोरी थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से अब तबलीगी जमात कार्य कर रहा है, जिस तरीके से उसकी कट्टरपंथी सोच सामने आ रही है, आतंक से लिंक सामने आए हैं, उसके बाद अब दुनिया के लगभग 150 देश जहां ये तबलीगी जमात जो संगठन है वो सक्रिय है, वहां खासतौर पर जहां इसके करोड़ों सदस्य हैं, ऐसे देशों में अब किस तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि अब इस संगठन की असलियत सामने आ चुकी है जहां धर्म की आड़ में धर्म के प्रचार के नाम पर किस तरीके से ये जो संगठन है ये आतंक की राह चुन रहा है। और यही वजह है कि सऊदी अरब की ओर से एक बड़ा टिप्पणी कह सकते हैं, बड़ा खुलासा कह सकते हैं कि इस जमात को लेकर किया गया है वो ये है कि आतंकवाद में एंट्री करने का गेटवे जो है वो अब तबलीगी जमात बन चुका है और यही वजह है कि अब तबलीगी जमात पर सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान में भी जो मुस्लिमों को भटकाने का काम हो रहा है, जो अल्पसंख्यकों को भटकाने का काम हो रहा है, जो वहाँ कट्टरपंथी सोच हिंदुस्तान में यहाँ दिखाई दे रही है, जिस तरीके से कुछ देश विरोधी ताकतें दिखाई दे रही हैं, क्या वो तबलीगी जमात का ही असर है, क्या उनके ही प्रचार का असर है और कब तबलीगी जमात पर हिंदुस्तान में रोक लगाई जाएगी, कब प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये सवाल अब सऊदी अरब के प्रतिबंध के बाद बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।